झारखंड की बेटी दुमका में रहने वाली अंकिता सिंह को जो उनके कमरे में जला करके शाहरुख दरिंदे के द्वारा पेट्रोल जला करके उनकी हत्या की जाती है, उनको आधा अधूरा जिंदगी से जब वो लड़ रही थी उस समय उनको ऐसे अस्पताल में भर्ती किया गया रिम्स में, जहां ना सरकार की कोई सिस्टम काम करती है ना वहां के डॉक्टर्स समय पे इलाज करते हैं, वैसे हॉस्पिटल में उनको मृत्यु और जिंदगी के में जूझने के लिए छोड़ दिया गया। और सरकार को आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम में देखे होंगे, कल उन लोग ने अपना गए पार्टी मनाने, पिकनिक मनाने, और बेचारी वहाँ कल वहाँ हॉस्पिटल में अपना जिंदगी और मौत के बीच में लड़ते लड़ते अपना दम तोड़ दी। उसी न्याय के, अंकिता सिंह के न्याय के लिए आज हम लोग यहाँ हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं ताकि अंकिता को न्याय मिल सके और अंकिता के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल पाए। बताया जाए आज पुतला दहन कर रहे हैं हेमंत सोरेन का, किस मुद्दे पे है और क्या मांग है आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो पुतला दहन जो कर रहे हैं, जिस तरह से दुमका में जो महिला लड़की थी जो मात्र 14 साल की, और उस इनोसेंट लड़की को बिना जाने एक लड़का आदमी उसको मतलब गुंडागर्दी से घर में उसका जो आग लगाया, एक तरह से देखने से लगता है कि इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है, ये हिम्मत उसको कहाँ से मिला? क्योंकि जब वो जला रहे थे तो सोचा हुआ कि ज़रूर हम पकड़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का जो इतना लचर पचर व्यवस्था है इससे उसको डर खत्म हो गया है। और हेमंत सरकार जिस तरह से उनके कार्यकाल में हमेशा खाली महिलाओं का बलात्कार हो रहा है दिन, तो ये डर खत्म होते जा रहा है। अगर ये सरकार जल्द से जल्द नहीं हटी तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये सोचने का विषय है जनता को भी कि इसको जल्द से जल्द कहे कि इतना गति छोड़े। और आज हम लोग इसी के लिए हम लोग उनका बहिष्कार करते हुए पुतला जलाए हैं, और जो शाहरुख जो जलाया है उसको 10 लाख मुआवजा की घोषणा की है, क्या लगता है? अरे अगर मुआवजा का क्या करेगा, जब जो भी बेटी खोज दी उसको 10 लाख या 20 लाख भी देगा तो उसका भरपाई नहीं है। इसका मतलब कि आप हर दिन महिला बेटियों पर अत्याचार करते रहिए और मुआवजा देते रहिए, तो इस मुआवजा से हम लोग नहीं मानेंगे, उसको फांसी मिलना चाहिए शाहरुख को। देखिए, आज हम लोगों ने हमारी जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गिरिजा देवी जी हैं, आज उनके नेतृत्व में हम लोगों ने, चूँकि मैं यहाँ पर मंडलीय प्रभारी भी हूँ, तो आज उन्हीं के नेतृत्व में भारत माता की प्रतिमा के समक्ष चेक पोस्ट में हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया है। इसलिए कि ये सरकार जब से आई है ये महिला विरोधी सरकार रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, अंकिता के साथ जो हुआ आज उसको न्याय नहीं मिला, और दिन दहाड़े एक तरफा प्यार का अंजाम जो हम लोगों को देखने मिला, ये अगर ये तुरंत में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके तुरंत में अगर एक्शन लिया जाता है तो आइंदा से दूसरा शाहरुख पैदा नहीं होंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले ही मंदिर और मस्जिद में जो पथराव की जो मामला आया था, मैं खुलकर नहीं बोलना चाह रही हूँ, उस पर उन्होंने तुरंत से एयर एम्बुलेंस को बुला करके और जो जख्मी हुए थे, जो घायल हुए थे, उनको तुरंत बाहर रेफर किया गया था। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि क्या अंकिता के मामले में आप इतना संवेदनहील कैसे हो सकते हैं? एक महिला के प्रति आप इतना संवेदनहील कैसे हो सकते हैं? आज आप दिखा रहे हैं कि हम मुआवजा के लिए उनके पास गए थे, मुआवजा से क्या अंकिता फिर से जिंदा हो सकती है? आप अगर ये मुआवजा उसको बाहर रेफर करने के लिए किए रहते तो शायद अंकिता हम लोगों के बीच में रहती, हमारी बहन हमारे बीच में रहती। तो आज हम लोगों को बहुत दुख है, क्योंकि हम लोग बार बार यही चीज कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जरा भी संवेदनशीलता हेमंत की सरकार नहीं दिखा रही है। आप देख लीजिए, रिम्स में आज 2-3 दिन लगभग हमारी बहन भर्ती रही, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री उसको देखने तक नहीं जाते हैं। तो हम लोगों को ये क्या देखने को मिल रहा है? ये कैसी सरकार है? महिला विरोधी सरकार है, लूट घसोट की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है, जो हमारे दंगाई है उस तरह की ये सरकार बन रही है। तो मैं चाहूंगी कि शाहरुख को अंकिता ने, जबकि मैंने जो वीडियो देखा उसमें उसका लास्ट स्टेटमेंट उसका यही था कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं दर्द को सहन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ही असहनीय दर्द उनका था, उनकी ये मांग रही है जाने से पहले कि उसको कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई हो शाहरुख के ऊपर। तो मैं चाहूँगी सरकार को यही बार बार बोलना चाहूँगी कि आप फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके ऐसी कार्रवाई कीजिए कि दूसरा शाहरुख हम लोगों को इस अपने झारखंड में देखना ना पड़े, और झारखंड की बेटी को एक न्याय मिले, और हम लोग महिला लोग भी कम से कम एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अगर उसको मिलता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होती है, तो यही हम लोगों की एक सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी अंकिता को, भारत माता की जय।